हाय गाइस वेलकम टू ए टू जेड गवर्नमेंट जॉब और आज हम लोग बात करेंगे टाइम एंड वर्क के बेसिक्स की जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और एल और एस का पूरा प्ले भी यहाँ हम लोगों ने अपलोड कर दिया है तो आप उसको भी एक बार देख और सबसे बड़ा टाइम एंड वर्क में प्रॉब्लम यह है कि इसमें टाइप्स बहुत हैं और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन ये है कि किस मेथड से इसको सॉल्व करना है तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ करीब दो से तीन मैथड होते हैं जिसमें दो मैथड काफ़ी फेमस हैं लेकिन आ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमेशा दिमाग में ये रहता है कि विच मैथड इज़ बेस्ट ओके तो यहाँ मैं जो आपको सजेस्ट करता हूँ मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप तीनों मैथडों को याद रखिए दो तो बहुत से लोगों को पता है पर एक जो तीसरा है वो बहुत कम लोगों को पता है तो आज हम वो सबको देखेंगे और बेसिक्स पहले करेंगे बाद में फिर हम लोग क्वेश्चन पार्ट पे आएंगे ओके सो लेट स्टार्ट फर्स्ट मैथड जो आपका है वो है Uh, हम लोग जो स्कूल अपना जितना भी बुक्स में हम लोग देखते हैं वो जो मेथड दिया हुआ है फॉर एग्जांपल मैं अगर ये बात बोलूं कि टाइम एंड वर्क में अगर कोई बंदा ए है और कोई बंदा बी है ओके okay. अब ये जो बंदा है किसी काम को थर्टी uh, डेज़ में करता है ठीक है और ये जो बंदा बी है उसी काम को सिक्सटी डेज़ में करता है तो जो लोग नए हैं वो एक बात को याद रखें कि जो काम है ना जो uh, टास्क है उसका नेचर सेम होना चाहिए ऐसा नहीं है कि इसको कुछ अलग काम दे दिया इसको कुछ अलग काम दिया जो जो काम है वो एक ही तरह का काम होना चाहिए तो पहले अगर ए करेगा तो वो तीस दिन लगाता है थर्टी डेज लगाता है और उसी काम को जब बी करेगा तो कितना दिन लगाएगा वो लगाएगा सिक्सटी डेज़ तो आपसे हमेशा इस तरह का बेसिक क्वेश्चन बनता है दोनों मिला के काम करेंगे तो कितना डेज लगेगा तो सबसे जो बुक्स में दिया हुआ है तो वो लोग क्या करते हैं कि देखो यहाँ वो लोग कहते हैं कि आप ना ये पहले पता कीजिए कि कोई टोटल काम है उसको कोई बंदा तीस दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा तो इसके लिए उसका रेसिप्रोकल किया जाता है तो वो, वो वन बाय थर्टी बनता है वन बाय थर्टी बनता है और ये जो वन बाय थर्टी है ना आप पार्ट भी समझिए कि अगर उसी काम के अगर थर्टी पीसेस किए जाएँ तीस टुकड़े किए जाएँ तो उस तीन तीस टुकड़ों में से एक टुकड़ा वो पहले दिन ही कर पाएगा इस चीज़ को आप ऐसे भी समझिए खैर इसको मैं बोल रहा हूँ ये वन बाय थर्टी क्या बनेगा फर्स्ट डे वर्क इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या समझ सकते हो फर्स्ट डे वर्क होता है ये फर्स्ट डे वर्क होता है नाउ अब जो ये सेकंड बंदा है उसी हिसाब से वन बाय सिक्सटी ये भी करेगा मतलब ये क्या कर रहा है पहले दिन में वन बाय सिक्सटी काम कर रहा है या आप कह सकते हो उस काम के अगर सिक्सटी पार्ट्स किए जाएँ तो उसमें से एक पार्ट वो पहले दिन खत्म करता है क्लियर हो रहा है तो क्योंकि ये ये आपसे कहा जाता है कि भाई दोनों अलोन काम कर रहे हैं अगर ए किसी काम को तीस दिन में अकेला करता है अलोन का वर्क वो है ये और अकेले का तो जॉइंट अगर मिल करेंगे टुगेदर करेंगे तो कितने दिन लगाएंगे पहला एक बेसिक क्वेश्चन बनता है जिससे आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम लोग क्या करते हैं वन बाय थर्टी प्लस वन बाय सिक्सटी करते हैं है ना तो वन बाय थर्टी प्लस वन बाय सिक्सटी जब आप करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है एल्सीयम लेना पड़ता है तीस और सिक्सटी का एल्शियम सिक्सटी आता है और ये करीब टू जाएगा और ये करीब वन टाइम जाएगा तो ये कितना बनता है आपका थ्री बाय सिक्सटी हो गया और इसको अगर मैं छोटा कर दूं तो कितना बनेगा वन बाय ट्वेंटी बनेगा अब आपके सामने फिर से ये चीज़ आई आपने यहाँ पर गौर किया यहाँ पर थर्टी बाय वन था है ना थर्टी बाय वन था यहाँ पर सिक्सटी बाय वन था तो थर्टी बाय वन मैंने आपको बताया एक पार्ट था मतलब तीस टुकड़े किसी काम की किए जाएँ तो एक टुकड़ा परफॉर्म किया जाएगा ए द्वारा पहले दिन यहाँ सिक्सटी अगर टुकड़े किसी काम के किए जाएँ तो बी द्वारा एक ही टुकड़ा खत्म किया जाएगा पहले दिन ऐसे ही अभी जो वन बाई ट्वेंटी आया तो ये क्या है अगर किसी काम के बीस टुकड़े किए जाएँ तो एक ही टुकड़ा परफॉर्म किया जाएगा अगर ए और बी मिल के काम करते हैं तो ए प्लस बी तो आपको एक बार याद रखनी है वन बाई ट्वेंटी अभी पार्ट है क्या है पार्ट और हमने शुरू में ये देखा था तीस ये जो डेज था डेज का हम जब रेसिप्रोकल किए थे हम लोगों ने जब डेज का रेसिप्रोकल किया तो जो वन बाय पार्ट बनाता आपको याद करना है अगर आप डेज का रेसी प्रोकल करोगे तो पार्ट बनेगा और अगर पार्ट का रेसी प्रोकल करोगे तो वापस क्या बन जाएगा डे बन जाएगा तो ये वन बाय डे होता है याद रखना है तो अगर हम वन बाई ट्वेंटी को उल्टा कर दें तो कितना बनेगा ट्वेंटी होगा तो ट्वेंटी क्या हो जाएगा डेज इसका कहने वाली बात यह है कि तीस एक ए जो काम तीस दिन में करता है बी अकेला जो काम सिक्सटी डेज में करता है दोनों मिलके काम करें तो कितने दिन में करेंगे 20 दिनों में करेंगे ये सबसे पुराना मेथड है जो बुक्स में होता है लेकिन इस अकेले मेथड से बहुत प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे क्वेश्चन में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है अब लेकिन कई जगह मेथड यूजफुल भी है जो बड़े क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर ना अगर हम सेकंड मेथड फॉलो करें अगर हम सेकंड मेथड फॉलो करते हैं तो उसमें क्या होता है हम लोग एल लेते हैं एल हालांकि हमने यहाँ पर भी लिया था जो ये सिक्सटी लिया था एल ही था बट क्या करते हैं हम लोग ए किसी काम को अगर तीस दिन में कर रहा है तो हम लोग लिखते हैं ए भाई थर्टी डेज वाला है ये लिखा मैंने डेज ये थर्टी जो है वो डेज है ए वो बंदा है और ये से किया फिर आ, बी कितना है सिक्सटी डेज लेता है तो हम लोग क्या करते हैं थर्टी और सिक्सटी का एल फिर से निकालते हैं देखो एल क्यों निकाला जाता है बहुत से लोग क्या सोचते हैं एल निकाला जाए हम एक ऐसा नंबर भी ले सकते हैं जो दोनों उसका मल्टीपल हो एक्चुअली तो आप एलसी ले लो या सेकेंड लीस्ट मल्टीपल ले लो तो भी आपका आ जाएगा मैं करके बताऊँगा आपको थर्टी और सिक्सटी का एलसीएम लेंगे तो सिक्सटी आया अब आपको यहाँ एक बात बहुत सीखनी है <coughs> कि जब 60 को आप 30 से डिवाइड करोगे इस 60 को इस 30 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा तो ये जो 2 है ना ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये एफिशिएंसी है और 60 को 60 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा ये ये फिर से एफिशिएंसी है बट ये किसकी है हमें ये देखना पड़ेगा ये जो है ना ए, ये ए की है ए की एफिशिएंसी जो है वो टू है और बी की जो एफिशिएंसी है वो वन है क्लियर है तो इस तरह से हम लोग इसको पता करते हैं तो अभी हम लोग क्या हम हम लोगों ने यहाँ देखा कि दो एफिशिएंसी ए की है और एक एफिशिएंसी बी की है इसका मतलब पता है क्या मैं थोड़ा इसको डिटेल में बता दूँ क्या मान लीजिए अगर सिक्सटी अल्मा होती बनाने के लिए उसमें से ए एक दिन में कितनी बना पाता है तो ये एफिशिएंसी जो हमने दो निकाली इसका यही मतलब है कि ए एक दिन में दो ही वार्ड्रो बना पाता है अलमारी बनानी है साठ तो ए की जो एफिशिएंसी है ना वो एक दिन में कितनी है सिर्फ दो ही बना पाता है ए इसका मतलब आपको ए की एफिशिएंसी दो है तो बी की आपने कितनी निकाल ली बी की एक है तो दोनों की अगर हम एफिशिएंसी जोड़ दें तो दोनों मिलके कितने कितना कुर्सी बना पाएंगे एक दिन में तीन कुर्सी बना पाएंगे टू प्लस वन थ्री और टोटल कुर्सियाँ कितनी हैं चेयर कितनी है, है? सिक्सटी हैं तो सिक्सटी इज़ डिवाइडेड बाय थ्री करेंगे तो कितना आता है ट्वेंटी आता है यानी कि बीस दिन लगेंगे इन लोगों को कुर्सी बनाने में तो इसका मतलब यहाँ पर यह था एक्चुअल में ठीक है मैं फिर से एक बार फिर से बता दूँ कि आपने ए का देखा तीस दिन लगाता है बी का देखा सिक्सटी डेज लगाता है तो हमने तीस थर्टी और सिक्सटी का एल्सीयम निकाला जो कि सिक्सटी आया फिर हमने सिक्सटी को इस थर्टी से डिवाइड किया तो आपका टू एफी जो आ रहा था टू वो टू हमने यहाँ रखा और वन यहाँ रखा तो टू और वन क्या है एफिशिएंसीज़ हैं एफिशिएंसी मतलब काम करने की क्षमता किसकी ए की एक ही, और काम करने की क्षमता बी की कितनी है वन और ए की टू है फिर हम लोगों ने फिर मैंने एग्जाम्पल दिया कि भाई सिक्सटी एलमरा बनानी थी या टॉय बनाने थे कुछ भी बनाने थे तो ए एक दिन में दो ही बना पाता है बी एक दिन में एक ही बना पाता है तो हम ये जोड़ दिए तो हमने देखा कि दोनों मिलकर तीन बना पाते हैं है, है ना टू प्लस वन करेंगे दोनों मिलकर कितनी बना पाते हैं तीन बना पाते हैं तो सिक्सटी इज़ डिवाइडेड बाई थ्री इज़ इक्वल टू ट्वेंटी अच्छा अगर मैंने यहाँ पर ना सिक्सटी की जगह अगर मैंने वन ट्वेंटी भी लिया होता ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था मुझे मैं आपको दिखा देता हूँ देखो यहाँ मैंने वन ट्वेंटी भी अगर लेता हूँ तो क्या होगा भाई थर्टी यहाँ पर लिया मैंने ए का और ये बी का कितना लिया सिक्सटी लिया तो आपने देखा थर्ट वन ट्वेंटी से अगर मैं थर्टी को डिवाइड कर रहा हूँ ये ए का है ये बी का है तो कितना आ रहा है आपने देखा यहाँ फोर आ रहा है यहाँ कितना आ रहा है टू आ रहा है अब आप ये देख लो कि चार और दो, दोनों की एफिशिएंसी अगर मैं दौड़ दूँ तो छः आ रहा है यानी ए और बी मिलके एक दिन में कितना परफॉर्म करते हैं छः ओके और 120 है टोटल तो 120 को अगर आप छः से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा तो आएगा करीब आपका बीस देखो तो यहाँ पर भी आंसर ट्वेंटी आ रहा है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि बहुत सारे लोग रट रट के ये चीज़ उन्होंने पता लगाई है कि एल लेना है एल की जगह कुछ ऐसा मल्टीपल लिया जा सकता है दो दोनों में कॉमन हो ठीक है तो आप कुछ भी ले सकते हो तो यहाँ मैंने आपको एक दूसरा तरीका बताया इसमें आपको फर्स्ट मैथड मैंने सेकेंड मैथड बता दिया इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है क्या कि जो एफिशिएंसी होती है हो वर्क आप लोगों ने यहाँ गौर किया ए और बी ए का जो वर्क है ए कितना दिन लगाता है तीस दिन और भी कितना दिन लगाता है साठ दिन दोनों का रेशियो का अगर देखा जाए तो कितना आ रहा है वन इज़ टू टू लेकिन हमने जब यहाँ पता लगाया था इस वाले मेथड से तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ रही है टू इज़ टू वन तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है एफिशिएंसीज जो होती हैं वो हमेशा टाइम ऑफ वर्क जितना लग रहा है उसका उल्टा होती हैं वन अपॉन टाइम ऑफ वर्क क्लियर है तो आपने ये तीसरी चीज़ यहाँ सीखी इंपॉर्टेंट रूल है इस रूल को आप याद रखना है कि एफिशियंसी जो होती हैं वो टाइम ऑफ वर्क की अपोजिट होती हैं या आप कह सकते हो टाइम ऑफ वर्क एफिशिएंसी का अपोजिट है ए और बी का अगर वन इस टू टू का रेशियो है टाइम काम करने का तो एफिशियंसी का रेशियो क्या है आपने देखा टू टू वन क्लियर है तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको याद रखनी है अभी हम लोग तीसरा मेथड और देखेंगे और कुछ रूल्स देखेंगे टाइम ऑन टाइम एंड वर्क अभी मैं अगर तीसरा मेथड लेता हूँ जो मेरा थर्ड मेथड है थर्ड मेथड में मैं क्या करता हूँ मैं एफ तीस और साठ है तो इनका वर् जो टाइम ऑफ वर्क का जो रेशियो है जो कितना समय लगता है उसका रेशियो ए और बी का अगर हम लोग देखें ए और बी का वर्क का रेशियो जो मैंने बताया वो वन इज़ टू टू आ रहा है और लेकिन इनका एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा टू इस टू वन है ना जो बंदा जितना कम समय लगाएगा वो उतना ज़्यादा बेटर परफॉर्मर होता है उसकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ आप देख भी रहे हो वन ए वन अगर टाइम लगा रहा है तो एफिशिएंसी टू हो रही है उसमें तो आपको जो मैं थर्ड मेथड बता रहा हूँ उसमें क्या हो रहा है आप ये देख रहे हो ए एक बंदा था जो तीस दिन में काम करता है तो ए उसी बंदे ए की एफिशंसी दो है अब उसको एक बंदा हेल्प करने आ रहा है बी जिसकी एफिशिएंसी कितनी जिसका नंबर ऑफ़ डेज कितना लगाता है वो साठ दिन लगाता है उसकी एफिशिएंसी वन है तो अगर आप देखोगे एक ऐसा बंदा ए को जिसकी एफिशिएंसी टू है एक बंदा हेल्प करने आ रहा है जिसकी एफिशिएंसी वन है तो दो के ऊपर कितना इंक्रीज़ होता है वन इंक्रीज़ होता है इसका मतलब दो पे अगर एक इंक्रीज़ हो रहा है तो जो टाइम रिड्यूस होगा उसका रेट क्या होगा आप लोगों को मैं वो बताऊँगा कैसे होता है ये तो वन बाई थ्री हो जाता है आपको याद रखना है कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का कैसा होता है कि अगर ए है ए के ऊपर अगर बी इंक्रीज़ हो रहा है ठीक है ये इंक्रीज़ है तो कोई चीज़ इसके जो करस्पोंडिंग uh, है वो अगर डिक्रीज़ होगी वो किस रेशियो में डिक्रीज़ होगी b अपॉन a प्लस बी में तो यहीं यहाँ पर वही चीज़ हुई आपने देखा <coughs> ये आपको याद रखना है तो वन बाई थ्री से डिक्रीज़ हुई वन बाई थ्री से डिक्रीज़ होने का मतलब ये होता है आप लोगों को ये याद रखना है अगर ये वन बाई थ्री से डिक्रीज़ हो रही है तो ये चीज़ टू बाई थ्री रह जा रही है अपनी टू बाई थ्री हो जा रही है कि नहीं मतलब तो टू बाई थ्री किसका जिसका हमने शुरू में लिया था ओके टू बाई थ्री ऑफ ए अब ए कितना दिन लगाता है ए तीस दिन लगाता था तो टू बाई थ्री किसका ए का थर्टी इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो टेन टू ज आपने देखा ट्वेंटी डेज आ रहा है तो ट्वेंटी डेज आपका आंसर आ रहा है आपने देखा तीनों केसेस से हमने आंसर लेकर आया या ट्वेंटी आया अब ये मेथड बहुत ये भी बहुत जगह बहुत से क्वेश्चंस को अगर आपको सॉल्व करना है तो ये मेथड बहुत ज़रूरी है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आप इससे भी सॉल्व हो जाएंगे तो तीनों मेथड्स को हमको साथ लेके चलना है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई एक मेथड ज़्यादा सक्सेसफुल होता है पर हाँ इतना ज़रूर बता दूँ सेकेंड मैथड सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये जो सेकेंड मैथड मैंने बताया था अब हम लोग कुछ और रूल्स देख लेते हैं अगर तीन बंदे दिए ए और सी तीनों अगर काम करने का जो रेशियो है उनका है ए बीस दिन लगाता है बी जो है वो चालीस दिन लगाता है और सी जो है वो 80 दिन लगाता है तो इनका जो रेशियो होगा आप लोग देख रहे हो वन इस टू टू इस टू फोर का होगा किसका ये टाइम ऑफ वर्क है ये इसका टाइम ऑफ वर्क का रेशियो है अगर आपसे एफिशिएंसी कहा जाता है कि इनका एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा उस केस में हम लोग वन टू फोर का एलसीएम निकालते हैं वन टू फोर का एलसीएम कितना आएगा फ़ोर आएगा और हम फिर उससे डिवाइड करते हैं तो हमने वन टू फोर का देखा एलसीएम फोर आ रहा है तो अगर इस वन टू फोर का एलसीएम फोर आ रहा है तो हम लोग फोर को डिवाइड करेंगे इन पर्टिकुलर तीनों नंबर से तो अगर फोर को वन से आप डिवाइड करोगे अगर हम लोग ये ए का है ये बी का है और ये सी का है अभी तक ये क्या है डेज का रेशियो है हमें एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है तो फोर जो हमारा एलसीएम आएगा इसका फोर को कौन डिवाइड करेगा वन डिवाइड करेगा तो फोर डिवाइडेड बाय वन अगर हम करते हैं तो कितना आता है फोर ही आता है ना तो ए का फोर आया सेकंड फोर तो को अगर टू डिवाइड करेगा तो टू आएगा और फोर को अगर फोर डिवाइड करेगा सी के लिए तो वन आएगा तो आपने देखा फोर टू वन जो आया ये क्या आया आपका ये आया एफिशियंसी रेशियो तो आपको ये बहुत ज़रूरी याद रखना है फोर टू वन को कि एफिशंसी रेशियो कैसे निकाला जाता है अगर रेशियो uh, दिया है टाइम ऑफ वर्क का ओके okay, सो so ये चीज़ बहुत ज़रूरी है फिर दूसरे टाइप के कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें मैन वुमेन और वर्क uh, 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 और आपका टाइम और आर्स ये सब दिया होता है तो उसमें आपको एक बेसिक चीज चीज़ याद रखनी है कि आपको ना एम इंटू डी वन इंटू एच वन डिवाइड बाय ये डिवाइडेड बाय डब्ल्यू वन इजल टू एम टू डी टू एच टू डिवाइड बाई डब्लू टू आपको ये याद रखना है कि जित इनका जो भी आएगा वो इतना के बराबर होगा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे कहा जाता है कि दस आदमी हैं टेन मैन वो एम एम वन जो है ना यहाँ पर ये दस मैन है तो एम वन दस आदमी यानी एम वन इतना हुआ बीस दिन में तो डी वन कितना होगा आपका बीस होगा ट्वेंटी और एच वन कितना होगा वो आपका मान लो आपने फाइव लिया तीस डब्लू वन कितना हो गया तीस कुर्सी बनाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि तो फिर बीस आदमी तो जैसे वो बीस आदमी बोलता है तो आपको समझ में आना चाहिए वो एम टू कितना होगा 20 ट्वेंटी होगा थर्टी डेज़ में तो डी टू फिर आपका कितना होगा थर्टी हो जाएगा और एच टू यानी अगर आप लोग दस घंटे में तो एच टू आपका हो जाएगा दस घंटे में कितनी कुर्सी बनाएंगे तो W2 आपको निकालने को बोला जाएगा तो आप इसको ऐसे सॉल्व करते है अभी हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करें हम सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं तो आपको ये वाला समझना है ठीक है ये वाला फार्मूला जो है इसको आपको समझना है आप अगर इसको सम... हम लोग इसको बाद में डिटेल में भी समझेंगे तो फिलहाल आपने जितना अभी तक समझा है उसे आप लोग एक बार रिवाइज़ कर लो और इतना सफिशेंट है मैं आपको बता रहा हूँ बिलीव मी हम डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी इस पर कर जाएंगे सो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग जाकर पुराने वीडियोस देख लें चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें थैंक यू फॉर वॉचिंग